फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाइसा किचन हिंदी में। और फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू शिमला मिर्ची की बहुत ही फटाफट से 5 मिनट में बनने वाली सब्जी। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी बटन जरूर दबा दें अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए। आलू शिमला मिर्ची की सब्जी बनाने के लिए मैंने आलू और शिमला मिर्ची दोनों को कटिंग कर लिया है। इस तरह से देखिए, शिमला मिर्ची मैंने ली थी 4 मीडियम साइज़ की। इस तरह से लंबे लंबे पीसेस फांक में कटिंग कर लिए और ज़्यादा पतला काटे नहीं आप इसको। इस तरह से थोड़ा मोटा भी रखा है। मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इस तरह से लंबी लंबी फाके करके कटिंग कर लिया है और पानी में ऐड किया है। काट के यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है गैस के ऊपर। इसमें तेल ऐड कर दिया 1 चम्मच और साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधे टेबल स्पून जीरा, और जीरे के साथ इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और इसको इस तरह से थोड़ा फैला लेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे इसमें बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, और हरी मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट है इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल के अंदर यहाँ पे इस तरह से। तो जैसा कि आपको पता है मेरी रेसिपी में, मैं हर रेसिपी में सबसे पहले लहसुन को ही फ्राई करती हूँ तेल में। तो देखिए, लहसुन अच्छा फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने 2 प्याज ली थी मीडियम साइज़ के, रफली कटिंग किया था जिनको। तो यहाँ प्याज ऐड कर दिए मैंने, और इस तरह से प्याज कटिंग करके ऐड करें आप सब्ज़ी के अंदर, तो तीनों चीज़ों की जो कटिंग है एक तरह से बराबर लगेगी यहाँ पर। तो देखिए, प्याज भी हल्का फ्राई हो चुका है, और यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो यहाँ मैं आलू ऐड कर रही हूँ, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जो हमने शिमला मिर्ची काट के रखी है वो। तो देखिए, मैंने शिमला मिर्ची आलू दोनों ही कटिंग करके इस तरह से इसमें ऐड कर दिए हैं, और एक बार इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ फ्राई कर लिया, आधे टेबल स्पून ऐड करा हल्दी पाउडर, साथ ही ऐड कर देंगे इसके अंदर नमक 1 छोटा चम्मच, आप ले सकते हैं स्वाद के अनुसार। और एक बार मिला लेते हैं हल्दी को और नमक को। तो यहाँ हल्दी और नमक को अच्छे से मिला लेंगे, और एक बार इसको 2 से 3 मिनट के लिए आप हल्दी नमक में अच्छी तरह से मिला लें इस तरह से देखिए। और इसमें थोड़ा सा हम 10 से 15 ml पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करने के बाद में आपको इसको सिर्फ और सिर्फ ढक्कन लगा के रखना है 5 मिनट के लिए। हल्का सा इसको पकाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा लेते हैं, और जो हल्दी का कलर और देखिए जो पानी था वो भी इसके अंदर अच्छे से कम हो गया है। और यहाँ पे शिमला मिर्ची और आलू है हमारे हल्के से गल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से जो हमारे को पहला स्टेप यही करना है कि आप इसको थोड़ा सा हल्दी नमक में इस तरह से 5 मिनट पका लें। और यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे अब टमाटर की प्यूरी। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया था। और शिमला मिर्ची, अगर आप आलू शिमला मिर्ची फ्राई करके इस तरह से बनाते हैं तो टमाटर को आप इस तरह से पेस्ट करके ही ऐड करें। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने टमाटर को इस तरह से मिला लिया है, और अभी इसके अंदर ऐड करेंगे हम मिर्ची और धनिया पाउडर। तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नमक मिर्ची से ऐसे बन जाएगी फटाफट से। तो 1 चम्मच मिर्ची ऐड कर दी है मैंने, और 1 चम्मच ऐड करेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मिर्ची को अच्छे से मिला लेंगे इसके अंदर, मिक्स कर लेंगे, और बिल्कुल फटाफट से फ्रेंड 5 मिनट में सब्ज़ी बन जाएगी यहाँ पे। और शिमला मिर्ची आलू की सब्ज़ी, अगर आपको झंझट लगता है, आपको लगता है कि नहीं अच्छी बनती है आपसे या काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इस तरह से बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें, और जल्दी बन जाएगी, फटाफट स्वादिष्ट लगती है खूब। तो यहाँ धनिया ऐड कर दिया है मैंने काफ़ी, और धनिया ऐड करने का इसको ढक्कन लगा के रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए अच्छे से स्टीम बन चुकी है, और आलू शिमला मिर्ची हमारे पहले ही अच्छे से फ्राई हो चुके थे। तो यहाँ पे देखिए, सब्ज़ी में अच्छा सा कलर आ गया, बढ़िया सा, और बिल्कुल लपटेमा सब्ज़ी बनी है यहाँ पे, सूखी नहीं बनी है। तो सूखी इसलिए नहीं बनी है फ्रेंड क्योंकि हमने यहाँ पे टमाटर की ग्रेवी ऐड करी है। तो इस तरह से टमाटर ऐड करके ग्रेवी ऐड करें आप सब्ज़ी के अंदर, बहुत स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी। सब्ज़ी बन के है तैयार हमारी, यहाँ पर गैस कर देते हैं बंद, और मिलते हैं आपसे फ्रेंड्स अगली नेक्स्ट रेसिपी में।